Hi everyone, assalamu alaikum. This is Rebecca Kashif Khan. Welcome back to my YouTube channel. निकलते मुझे याद आया है कि मुझे व्लॉग का इंट्रो बनाना है। इस बार मैं गाड़ी में नहीं बनाऊंगी, इस बार मैं घर से ही बना के निकलूंगी। सो बेसिकली आज का सीन बहुत ज़बरदस्त है, मतलब आप लोग जब व्लॉग देखोगे आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं एक्साइटमेंट ख़राब करना नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ हम लोग जल्दी से चले और फिर उसके बाद ही चीज़ आप लोगों को पता चल जाए। निकल चुके हैं और यहाँ पे हमारा स्टॉप था क्योंकि हम सब ने साथ में जाना था, सब ने इन अ सेंस के शहीद हफ्सा हैं सामने और हुसैन और हम लोग हैं, तो यहाँ पे हम लोग सब मिल गए हैं। तो अब हम इंशाल्लाह आगे का रास्ता जो है वो साथ में ही तय करेंगे। और आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मुझसे ना सुबह उठा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं उठ जाती हूँ। आज मेरे साथ इतना बैड सीन हुआ है कि मतलब मैं उठी हूँ 11:30 बजे और मुझे ना 1 बजे तक मतलब तैयार होना था, तो मैंने कहा चलो 1 घंटा तो सो जाती हूँ, तो मैं सो गई। और लिटरली 1:30 मेरी अचानक से आँख खुली 1:30 पर, यार ये तो मैं सो गई, हर चीज खराब हो जाएगी, इतना लेट हो गया, ये हो गया, मैं कैसे तैयार होंगी सारी चीजें। मतलब इतनी ज्यादा मैं टेंशन में थी कि बस मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बस हम निकले हैं। अच्छा वहां पे सीन ऐसा है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहां पे इतना ज्यादा टाइम का पाबंद किया गया है, सब ऑन टाइम आ रहे, उनको पता है कि सब बहुत ज्यादा लेट लतीफ है, तो इसलिए उन्होंने ना टाइम का पावन कर दिया था, प्लीज टाइम पे आना, तो इसलिए हमें टाइम पे निकलना था। सो अभी हो रहे हैं 3:11 एंड आई होप कि हम लोग जल्द से जल्द वहां पे पहुंच जाएं और ये सुनने को ना मिले कि लेट आए हो। अभी भैया और सैन जो है वो अंदर गए हैं कुछ पानी वगैरह लेने, तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ, तो वो जैसे ही आएंगे फिर हम लोग निकलेंगे। बहुत नींद आ रही है, आज सच बता ना मेरा मूड भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल ही मूड ना मेरा ऑफ ऑफ है, तो इस वजह से ना थोड़ा आप लोग को ऐसा लग रहा होगा, बट बिल्कुल मैं ऑन हो जाऊंगी, डोंट वरी। सो फाइनली पूरे 1 घंटे के रास्ते के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं फार्म हाउस। दरअसल फार्म हाउस पर लोकेशन थी तो इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम लगा है, और फिर आपकी बहन का मूड भी ख़राब था। खैर अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, तो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। यार इतना ज़्यादा यू नो सोच सोच के मैं थक गई हूँ कि क्या होगा, बट जहाँ तक हमें लाइक हमारी एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि गेम्स वगैरह होंगी। सो लेट्स सी क्या होता है, आई होप कि आप लोग को मज़ा आए और हमें भी। अच्छे से ग्लासेस लगा लेते हैं, मेरा बैग। क्या तुम जूते लेके खड़े हुए हो? वेट कर रहा हूं तुम्हारा। कुरैम साहब जो है गाड़ी से उतर के अपने शूज हाथ में लेके जो है वो खड़े हुए, क्योंकि मुझे ब्लॉग का पार्ट बनाना था, मैंने कहा तुम बाहर खड़े हो मैं अंदर बनाऊंगी, और ये स्लीपर पहन के चलो ना अंदर, शूज जाके पहन लूंगा। चल भैया अंदर जाके पहन लेगा। हुसैन कहाँ गए? अंदर। हुसैन साहब को कपड़े चेंज करने थे, वो अंदर जाके करेंगे शायद। चलो लेट्स गो। एंटर होते के साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रूम टीम ए, ब्राइड टीम बी, और ये पूरा जो है वो रील बना हुआ है। लाली यार ये बंद करो, लाली ने हमें बोला कि आप लोग अपने कपड़े पहन के आ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को जो हूँ टी शर्ट प्रोवाइड करूंगा। तो मतलब टी शर्ट क्या, टीम रूम टीम ब्राइड इस तरह से है? रैंडम टीम्स होंगी, ओह माय गॉड, किसी की टीम में कोई भी आ सकता है। तो ये कवर कैसे होगा, लाइक वीडियो में कवर कैसे होगा? क्या लाइक इस तरह से हम खेल रहे हैं? प्रॉफिट है, चलो आंसर। खुश टाइम पे आ गई, वैसे मार्जिन रख के ही टाइम दिया होगा, इसलिए अच्छा हुआ। नहीं नहीं नहीं, हमारा थोड़ा सा मिसअप हो गया, जो है वो इनका इनका अच्छा, उनकी उनके उनकी एक गाड़ी मसला हुई, तभी आधा सामान नहीं आया, वहीं से वहीं चले गए आधा सामान। हमारे हमने बोला जो हमारे मेन फोकस है वो हमारे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं। थैंक गॉड कि हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ। पहली बार क्या जल्दी टाइम पे आई हूं मैं, ये कहना चाह रहे हो आप? यहां से बिल्कुल स्ट्रेट हो रहे हैं। मैंने बोला इस दफा तो स्ट्रिक्टली बोला है, अब तो टाइम पे ही पहुंचना पड़ेगा। तो ये सीन है, सब मेरे ख्याल से आ चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं, सारे इन्फ्लुएंसर्स की पार्टी साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी मैं दोबारा गाड़ी की साइड आई हूँ क्योंकि शर्ट्स तो हमें चेंज करनी है, तो मैंने सोचा कि ज़रा ना अच्छी सी पिक्चर्स में बनवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी गाड़ी के पास पिक्चर्स बनवाने भैया को लेके, भैया मेरी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाएगा, फिर उसके बाद हम लोग शर्ट चेंज कर लेंगे। बट मुझे बिल्कुल ना गेम शो याद आ गया है। भैया तुम्हें गेम शो याद आ गया? उसमें वो शर्ट प्रोवाइड करते थे, सारे गेम्स होते थे। बट खैर मुझे पता है यहाँ पे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना अट्रैक्टिव लग रहा है। सो लेट्स सी क्या ये प्यारी बेबी किसकी है? ये तो बिल्कुल छोटी ऐसी भाई है मदिया। बाबू में मिलते हो आप? है ये टिकेगी थोड़ी, ये देख लो, उछल के बेटा क्या कैमरे के
जाओ कैमरे में चले जाओ, जाओ चले जाओ, जाओ जाओ, हंस लो थोड़ा, हंसने के पैसे थोड़ी लगते हैं, हंस लो। सीरियस बच्चा है, ओहो रोना है हंसना नहीं है। जाओ ये ले लो, ये ले लो। सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जो हैं वो बाहर जाने लगे, इनकी कोई एक्टिविटी है लाइक शर्ट सेलेक्ट करने की, सो लेट्स सी क्या होता है। स्टोरीज बन रही हैं। शर्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इतनी बड़ी उन्होंने एक्टिविटी प्लान की है कि रैंडम शर्ट उठानी है। अब देखते हैं टीम ब्राइड आती है टीम ग्रूम, अल्लाह करे हुसैन की शर्ट में टीम ब्राइड ही आए, अल्लाह करे ऐसा हो। मैं तो चाहती सारे लड़कों की टीम ब्राइड और सारी लड़कियों की टीम ग्रूम, मजा ही आ जाएगा। सही है, सही है, चेक कर लेते हैं। आप तो चीटिंग करेंगे मुझे लगता है। आ जाएगा फिर क्या करूंगा, चीटिंग चीटिंग तो हो रहा है। ओहो नाम नहीं लेके टीम अप करेंगे लोग। हसन हसन अबे लड़कियों को भी तो लोग पहले टीम पक्की करनी है। अब्दुल्ला एक सेकंड, मरियम आपकी टीम में जाना पसंद करेंगी, कोई मसला ही नहीं है, अपनी टीम में ना लेकिन मैं अच्छा गेम नहीं खेलूंगा। लड़की लड़की जमा हो गया। तो सीन ऐसा हुआ है कि लारे पर जो नाके लगा टीम्स बन गई, उन्होंने खुद ही टीम बांटी है, तो हुसैन और मैं तो एक ही टीम है, मुझे इस बात की खुशी है। ओके ये रहा मैं। आमिर पीछे से क्या बदतमीजी कर रहे थे? मैं आपके पीछे से बदतमीजी नहीं कर रहा था, मैं उधर से बदतमीजी करता हुआ आ रहा था, मार्केट में बदतमीजी करते हुए घूम रहा हूं। ये ना आज एक्स्ट्रा चार्ज है भाई, भाई टीम ब्राइड दे रहा है जरा। हुसैन यार इधर आए, हुसैन इधर आए यार, मुझे मीडियम साइज नहीं आता, मुझे स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल साइज आता है। काटो, मैं सीरियस हूँ। मैंने बैगी पहने, स्टाइली बैगी का है। नहीं यार ये पहने उसके ऊपर, ये ग्रीन वाला भी पहनेगा उसके ऊपर। चलो भाई टीम राइड के लिए हम लोग चेंज भाई क्या कर सो हमने शर्ट जो है वो चेंज कर ली है, ये हो जाए टीम राइड की, और मदिया जो है वो टीम ग्रूम की है, हफ्सा और मैं टीम राइड की हैं, बट हफ्सा के शहीर जो हैं वो टीम ग्रूम में चले गए। बट कोई बात ना, इंसाफी हो गई, लेकिन खैर है कोई बात, कोई बात नहीं, साथ तो होना ही है ना। इंशाल्लाह कोई बात नहीं, कभी कभी आमने सामने होके भी देखना चाहिए, देखना चाहिए छुप छुप के। अब देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, मुझे लगता है सब हमारा वेट कर रहे हैं। गेम में रबीका और हमारी दोस्त आएंगी मदिया भाभी, एक ही लड़की उनके पास तो हर मसले की है सबके पास चाबी, जीतेगी मदिया भाभी। चलो अलियाने की अम्मा कुछ नहीं, बुढ़ापे का ख्याल करो। टीम ब्राइड के हैं दो नंबर और टीम ग्रूम के हैं एक नंबर,
एक मैंने खेला है, एक जैजी ने खेला है और एक और ने खेला है हमारी टीम में से। एक गेम वो जीते हैं, दो गेम हम जीते हैं। हाँ अच्छा खेली, हाँ हाँ ये अच्छा खेलती है फेवर वाटर। भैया यहाँ पे कर रहे कॉमेंट्री, वेल डन ब्रो, वेल डन। चलो जाए हफ्सा, और वहाँ पे कौन था? वो सालिक, और हफ्सा ला अपना फोन मुझे दे दो। चलो ये सबसे सख्त मुकाबला है। पता नहीं कौन सी डिस्कशन चल रही है। लाली इसमें बोले माइक में बात, ग्रूम का काम होता है बीवी को संभालना, तो मैं इसीलिए ना लिवरेज दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही ये पूछे आपकी मोहब्बत में। तुम्हें पता है कि हमारी टीम बनी ही जीतने। ओए होए, आ गया वो जीतेगी। सही बात है, सही बात है, मानू से जीतेंगे। माइक में कहा गया उर्दू में समझाओ। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर हस्बैंड, यहाँ पे रेस होने जा रही है। ये रेस का नाम क्या है? ये क्या कर रहे हैं लोग? इसका तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बना। अल्लाह बेचारी, हाई डिफरेंस बहुत है। हुसैन के येलो शूज अलग से पता लग रहे हैं, शायद वाइट के। वो वाइट है, वाइट है, वाइट है, येलो किसी और के। खुरैम देखो जीता कौन है, एक बंदा उधर होना चाहिए ना। भाग के जाओ, भाग के खुरैम, पता करके आओ कौन जीता। अब पता करते हैं कौन जीता। मुझे लगता है टीम ये शहीर आगे चला गया था। हाँ मुझे लग रहा है नहीं, दो लोग और थे जो बहुत तेज भागे। आपकी नजर में वो लोग कौन है? अब जो गेम है पून पी दे, जिसकी बॉल ड्रॉप हो गई वो मेरी साइड से रवि का। एक काम करो, आप इधर आओ, मानो ना इधर आओ। अरे हाँ चलो बस। अच्छा जिसकी बॉल गिर गई वो वापस आके दोबारा शुरू करेगा। सही है, बॉल हमारे हाथ में थमाइए। नहीं रख लो, रख लो, बस स्विच कर लो ना। 3-2-1 वो पहले आराम से आराम से आराम से। ये कैसे हो गया यार अभिका? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या हुआ ये? हार गए क्या? ये मेरी ट्रायल था। हाँ ये तो हम ट्राई कर रहे थे यार, वापस करवाओ। अब यहाँ पे होने जा रहा है म्यूजिकल चेयर, जो कि मोस्ट फेवरेट गेम है। अब देखते हैं कि क्या होता है, कौन जीतता है। सारी लड़कियों लड़कियों का, फिर लड़कियों ऐसा अंधेरा हो गया, दिन में मजा आता रोशनी रोशनी में, तभी इसने जल्दी बुलाया था कि रोशनी रोशनी में सब नहीं मर जाए। चलो खैर अच्छा ही हो रहा है, इसने फेंक दी है। चलो चलो चले चले चले, ये क्या हो गया? सही है, नॉन कॉपीराइट म्यूजिक लगा। चलो भाई म्यूजिकल चेयर स्टार्ट कर रहे हैं। चलो
वही देखो फिर से कुछ होगा फिर आ गया तू बहुत आला और यहाँ से माइक ही बंद हो गया डिस्कनेक्ट किया हुआ मैंने तो भाई टीम बैट से एक बंदा आउट हो गया है अब एक शेर हटा दो क्या कर रहे हो चक्कर अभी जो है लास्ट गेम होने जा रहा है सब यहाँ पे बैठ चुके हैं बोरी टीम ग्रूम मेरे टीम ब्राइड आ जाओ सबसे पहले हो रही है भैया की बारी अब देखते हैं किस में रुकता है लड़कों की वाली
ओहो देखते लाली पे क्या आता है। ठुमके वाला आ जाए। नहीं 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 थैंक गॉड गेम्स जो हैं वो सारे हो चुके हैं। अब बस खाना खाएंगे। तो बस हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ है। सीन ऐसा है कि मेरा बैग जो है वो मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं अपने साथ लेके आई थी या रूम में है। तो जाके रूम बैग मैंने कहाँ रखा था मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा मैंने गाड़ी में रख दिया। गाड़ी में जाके देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो नहीं है, सबके बैग से मेरा नहीं है। ओ गॉड फॉर मी डिवाइस ही मेरा सारा मेकअप था। आई होप कि मुझे मिल जाए। अब यार गाड़ी में देखना है बैग है क्या नहीं। मुझे अपना बैग ही याद नहीं है। है बैग? थैंक गॉड बैग है। बैग गाड़ी में रहने दो, साथ ही ले लेती हूँ। ये ना चाबी दे दो मुझे गाड़ी में टर्न करने से। क्यों? वो सामान लेके आएंगे। चल हाँ हाँ हटाओ भाई फिर सब। मैं तो ये बैग लेके मैं जा रही हूँ। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। सारे लोग बैठ चुके हैं। लेट मी शो यू। सो बहुत अच्छा रहा। आई होप कि वीडियो भी अच्छी रहेगी। और कोई भी काम हुआ मुझे बता सकती हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब डांस आ रहा है। डांस करना बताओ क्या करो। क्या ही बात हो जाएगी। क्या ही बात होता है। क्या ही बात नहीं मैंने कहा रवि का आ रही है तो क्या जरूरत है। नहीं नहीं रवि का वो डांसर वाला सीन थोड़ी है। लाफ इज नहीं लगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। सही देख हुसैन हमेशा जन्नत को तपाते हैं। हुसैन किसी को इतना तंग नहीं करता जितना आपको करता है। आप भी किसी का इतना ख्याल नहीं करते जितना हुसैन। ऐसा ही है बिल्कुल। ऐसा ही बिल्कुल डन। खैर जैबू की शादी स्टार्ट होने जा रही है बहुत ही जल्द और हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सारे फंक्शंस लाइन अप हैं। ड्रेस वगैरह देखने हर चीज होगी जो भी तैयारी होगी। खैर डोंट वरी आप लोगों को पता चल जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ्री हो चुके हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। वैसे तो दिन दिन में निकलना था हमें लेकिन रात हो गई है। खैर सब साथ में जा रहे तो इंशाल्लाह खैरियत से हम लोग पहुंच जाएंगे। सो मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करूं क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। सो कीप सपोर्टिंग कीप लविंग डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ज़ारिफ की शादी है बहुत धमाल मचाएंगे इंशाल्लाह मिलके। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल ताकि सारी अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके। सो टेक केयर बाय।